Hey, everybody.

मॉडल्स अब मॉडल्स जो हैं ये बहुत कंफ्यूज करते हैं बट अगर हम इनके बेसिक बेसिक फंक्शन समझ लें तो शायद हमको आइडेंटिफाई करने में मदद मिल जाए कि कौन सा मॉडल यहां पर बेस्ट सुटेबल होगा कहा कि करना ही करना है तो वो मोडालिटी बताएगा कोई मॉडल आप ये काम कर सकते हो दैटिलिटी याबिलिटी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो एबिलिटी वो भी आपको मॉडल बताते हैं साथ ही साथ अगर आप किसी को बोल रहे हो कि भैया ये मैंडेट्री है करना या फिर यू you नो know, एक एडवाइस है एक सजेशन है एक काम कर लो तो ये सारी चीजें जो हैं वो मोडलिटी कहलाती हैं और इन्हें दर्शाने के लिए आप मॉडल्स का इस्तेमाल करते हो सबसे पहला और सबसे कॉमन मॉडल होता है क्या अब कैन का बेसिकली जो मेन फंक्शन है वो होता है किसी भी सेंटेंस में एबिलिटी या इन को दर्शाना अगर आप बोलना चाहते हो कि कोई चीज यू नो कोई कर सकता है दैट इज एबिलिटी है सक्षमता है किसी में तो आप यूज करेंगे कैन का फॉर एन एग्जाम्पल आई कैन डांस यानी कि इफ इज एबल टू डांस पर्सन क्या बोलेगा आई कैन डांस राइट तो आपने पहले यही पूछना है क्वेश्चन में खुद से कि यहां अगर कैन यूज हुआ है तो क्या ये एबिलिटी बता रहा है अगर कहीं पे इन भी होगी ना कि नहीं कर सकता डांस तो भी आप यूज कर सकते हैं कैन का बट कैसे कैन नॉट के फॉर्म में आई नॉट डांस राइट न का जो नेक्स्ट और एक और कॉमन यूज होता है वो होता है इनफॉर्मल परमिशन आपके पास दो तरीके होते हैं क्लासरूम में परमिशन मांगने के एक होता है कैन आई कम इन एक होता है मे आई कम इन कैन आई कम इन आप यूज नहीं करते हैं क्यों क्योंकि ये इनफॉर्मल होता है यानी अगर आप इनफॉर्मल तरीके से परमिशन चाहते हो जो कि बिल्कुल फॉर्मल नहीं है तब आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं दैट इज कैन आई ईट दिस कैन आई कम इन कैन आई सिट डाउन नेक्स्ट आ जाता है वर्ड कुड भाई कई बार आपके पैसेज में या पैराग्राफ में पास्ट में चीजें चल रही होती है अब आपको पास्ट में किसी की एबिलिटी या इन या कुछ पास्ट का बताना होता है तो आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं सो कुड इज पास्ट एबिलिटी व्हिच मींस आई कुड डांस बट राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू क्लियर सो इस तरीके से कैन और कुड आई होप क्लियर हो गया देन जो नेक्स्ट मॉडल्स हैं वो हो जाते हैं मे मे बहुत ही फॉर्मल बहुत ही रिस्पेक्टफुल और बहुत ही अच्छा मॉडल है पहली इसकी यूसेज है फॉर्मल परमिशन यानी जब आपको किसी से परमिशन लेनी है वो भी एक रिस्पेक्टफुल फॉर्मल मैनर में प्लीज मे का इस्तेमाल कीजिए दैट इज मे आई कम इन सर मे आई इन मे आई हैव दिस मे आई हैव द ग्लास ऑफ सो इस तरीके से मे का इस्तेमाल आप इनफॉर्मल नहीं बल्कि फॉर्मल परमिशन में करते हो नेक्स्ट आ जाता है मे का नेक्स्ट आपका usage, जो होने वाला है प्रोबेबिलिटी कोई चीज शायद हो सकती है वो शायद कहलाता है प्रोबेबिलिटी यानी किसी चीज का होने का यू you नो know, थोड़ा बहुत चांसेस हैं देन यू विल यूज मे फॉर एग्जांपल आई मे विजिट द प्लेस शायद मैं इस प्लेस पे जाऊं आई मे विजिट योर टाउन शायद मैं तुम्हारे टाउन आऊ तो तब आप यूज कर सकते हैं मे का नेक्स्ट आ जाता है मस्ट मस्ट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि मैं हंड्रेड परसेंट की बात कर रहा हूं यानी समथिंग जो आपको करना ही है समथिंग जो होना ही चाहिए समथिंग विच इज मैंडेटरी समथिंग विच इज एन ऑब्लीकेशन यानी कि यू मस्ट पे द टैक्सेज और अच्छे से, से लिखे यू मस्ट पे द टैक्सेस ऑन टाइम यू मस्ट फॉलो द्रैफिक रूल यू मस्ट नॉट स्मोक इन दॉस्पिटल तो इस तरीके से मस्ट कब यूज करोगे जब कोई चीज हंड्रेड परसेंट वैसी ही फॉलो करनी चाहिए आ okay. आ जाता है है विल। है भाई से विल से तो तो मुलाकात हम कब से करते करते रहे हैं हैं में भी हमने बात 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 की की हर जगह हमेशा फ्यूचर की बात करता तो अगर कोई चीज़ जो है आप बोल रहे हो कि फ्यूचर में हो सकती है तब आप बोलेंगे आई तो विल ट्रेवल टू आगरा यानी आगरा जाऊंगा आई विल स्टडी फॉर माई एग्जाम का इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट आ जाता है Might. अभी मैं क्या था कि शायद अभी वो शायद के चांसेस बहुत ही कम है तब आप माइट का इस्तेमाल करते हैं यानी कि वेरी 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 स्मॉल प्रोबेबिलिटी फॉर एन एग्जाम्पल आई माइट ट्रेवल टू आगरा वेनागरा आगरा इट मीन्स कि मेरे अराउंडी टू सिक्सटी परसेंट चांसेस हैं. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोबेबिलिटी डिग्री और परसेंटेज क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट है शुड एंड ऑट टू शुड मतलब ये करना चाहिए राइट इट इज रेकमेंडेशन तो अगर किसी चीज में कुछ रेकमेंड किया जा रहा है कि ऐसा कर सकते हो या ऐसा करना चाहिए अब तुम्हारी मर्जी है मैंडेटरी नहीं है बट करना ऐसा चाहिए पर्सन वुड बी आई थिंक यू शुड सी अ डॉक्टर अब मैं नहीं बोल रही कि निकलो अभी डॉक्टर के पास जाने ही पड़ेगा यू मस्ट सी अ डॉक्टर नहीं मैं बोल रही हूँ कि दिखाना चाहिए भाई डॉक्टर को सिमिलरली अगर आपको ऑट यूज करना है तो आप शुड की जगह यूज कर सकते हैं बट दिस इज वेरी वेरी फॉर्मल तो अगर बहुत ज़्यादा फॉर्मल रेकमेंडेशन ऑट टू का इस्तेमाल करो जैसे कि या यू ऑट टू नो दिस सपोज अगर कोई किसी जॉब के लिए जा रहा है उसने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाई नहीं साइन करके आ गया उसमें लिखा था कि आप सिर्फ छह महीने के लिए काम करेंगे फिर हम आपको बाय बाय कह देंगे तो फिर वो पर्सन किसी से शेयर कर रहा है कि यार ऐसे कैसे लगा ऐसी होगा तो पर्सन वॉज लाइक तुम्हें नहीं पता की कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के साइन करना चाहिए यू ऑप टू नो दिस यानी कि तुम्हें ये पता होना ही चाहिए था इन अ वेरी फॉर्मल और यू नो एक रिकमेंडेशन दे रहे बट बहुत ही रेस्पेक्टफुल फॉर्मल मैनर क्लियर ऑल राइट सो so, इस तरीके से दीज आर द बेसिक मॉडल्स जो कि आपको बहुत पूछे जाते हैं मस्ट माइट मे कैन कुड एंड शुड और टू इसके अलावा अगर मॉडल्स का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आप वन शॉट रिविजन देख सकते हैं या रिस्पेक्टिव देख सकते हैं दर आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द चैनल सो विद दिस आई होप दिस विल हेल्प यू टू रॉक इन योर एग्जाम डन ऑल राइट सो वी आर डन विद डिस्कशन ऑफ द ऑफ द टॉपिक मॉडल्स आई होप यू एंजॉयड दिस एंड आई होप यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल सीन इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सुड Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.